द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। सागर की एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति केबीसी 13 की हॉट सीट पर पहुंची। निमिषा अहिरवार के 2 एपिसोड शूट हो चुके हैं। पहले एपिसोड में वे 1,60,000 रुपए की नामी राशि वाले 9वें सवाल तक खेलती हैं। इसी बीच समय पूरा होने का हुडर बच जाता है। अब वे एपिसोड में अपने आगे का सफर जारी रखेंगी। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण में प्रदेश ने वैक्सीनेशन का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभियान के पहले दिन शाम 7 बजे तक 21,34,008 लोगों को टीका लगा। इससे पहले 21 जून को प्रदेश में 17,44,657 लोगों को वैक्सीन लगी थी। धार जिले के कोक्षी पुलिस ने महिला कोटवार की शिकायत पर प्रभारी तहसीलदार के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता से प्रभारी तहसीलदार के बंगले पर दुष्कर्म हुआ। विरोध करने पर नौकरी से निकालने के साथ ही समाज में बेइज्जत करने की धमकी दी गई। अशोकनगर जिले के बहादुरपुर क्षेत्र के अतरेजी गांव में पिकअप और बाइक की जोरदार भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में बाइक सवार एक बच्ची और एक युवक शामिल है। घायलों में महिला और एक युवक शामिल है। सागर के कैंट थाना क्षेत्र के कोलुआ अमरसा गांव में बुधवार को कुआनुमा गड्ढे में नहाते समय डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पानी से बाहर निकाला गया। पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। इंदौर में अब रोजाना सुबह शाम रोल कॉल के समय पुलिसकर्मियों को 2-2 केले दिए जाएंगे। पुलिसकर्मियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए पश्चिम SP महेश चंद्र जैन ने इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए हैं। उनका तर्क है कि केला सबसे पौष्टिक आहार होता है। MP में सितंबर में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खुल सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसके संकेत दिए हैं। बुधवार को प्राइवेट स्कूल संचालकों से मुलाकात में शिक्षा मंत्री ने ये आश्वासन दिया। स्कूल संचालकों ने 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं रोज लगाने की मांग भी की। ग्वालियर में आधी रात को एक युवती और 2 युवकों के झगड़े का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि युवती एक युवक को बचा रही है, दूसरा युवक नशे में धुत है और आधे कपड़े पहने हुए है। वो गाली गलौज कर रहा है। नशे में धुत युवक पागलों की तरह युवती के साथ आए युवक को पीट रहा है। दमोह के जैन तीर्थ बेलाग्राम के एक मुनि सुद्धांत सागर ने 25 साल की साधना छोड़कर गृहस्थ जीवन अपना लिया है। उन्होंने आश्रम में 6 दिन पहले ही आई महिला के साथ रहने का फैसला किया है। दरअसल दोनों के रिश्ते पर शक होने पर दूसरे मुनियों ने आपत्ति जताई थी। भिंड जिले के महगाव थाना क्षेत्र स्थित सूरजपुरा गांव में जुआ फट चल रहा था। यहां भिंड के अलावा राजस्थान और यूपी के जुआरी यहां आकर जुआ खेलते हैं। ये फट रसूखदारों के संरक्षण में चल रहा है। पुलिस ने छापा मारकर 5 जुआरी पकड़े, जबकि 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने मौके से 22 बाइक भी जब्त की है। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।